हेलो गाइज एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर हाजिर हूँ एक ब्लॉग लेके, जो कि संडे वाला ब्लॉग है। आपको पता है मुझे संडे वाला दिन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो संडे वाला दिन होता है। तो बस आप लोगों के साथ आज पूरा दिन शेयर करूंगी, क्या बना रही हूँ सब दिखाती हूँ आप लोगों को। होप सो आपको पसंद आएगा। और एक आप लोग के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 2000 होने पे एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वो है मैं इंशाल्लाह शादी के एल्बम आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शादी के एल्बम पे आएगा, और भी बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली है आप लोगों के लिए। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है और सर्दी भी है थोड़ी मुझे। अगर आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो आई एम सो सो सॉरी फॉर दैट। सो आप लोगों को पता है कि जो संडे हो, मंडे हो, रोज़ कोई सा भी दिन हो, हम लोग को काम तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है संडे वाले दिन, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं सोकर और सारी चीज़ें लेट शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन में, सारे काम करने हैं मुझे, क्योंकि आज चीट डे भी है हमारा। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को बिरयानी, मैंने कहा था उनको बहुत पसंद है, आज उनका फरमान है कि वो और बिरयानी खाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं बस जा रही हूँ बनाने, 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का जो डस्टिंग वगैरह और समेटना सब कर रही थी कमरे का, तो बस उसी में टाइम हो गया मुझे। और मैंने जैसे कि बताया आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो उसके वजह से भी थोड़ा और लेट हो गया। लाइट भी चली गई है आजकल, मेट्रो का काम चल रहा है तो लाइट बहुत परेशान कर रही है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह चलते हैं किचन में, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेड बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब लिख के, तो उसको प्रेस करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो भी बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले पता चलेगा। सो गाइज अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरे बालों को ज़रा इग्नोर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं जा रही हूँ चढ़ाने अखनी बिरयानी की, जो सबसे मेन टाइम लगता है जिसको। तो मैंने फटाफट ये रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको देखनी है अखनी बिरयानी आज मैं बना रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ करती हुई जाती हूँ, ताकि आगे मुझे एक साथ दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे मैंने अखनी चढ़ा दी है बिरयानी के लिए। और अब बारी आती है सालन की, तो नॉर्मल सालन बना रही हूँ। मैंने इसकी भी रेसिपी शेयर करी हुई है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं चिकन का सालन बना रही थी, तो फटाफट ही मैंने सब फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी बिरयानी की भी और सालन की भी। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ मसाला वगैरह मिला दिया था, अब इसको बस भूनने देना है। जितनी देर आप इसको भूनने देंगे उतना ही आपका जो खाना है वो फ्लेवरफुल बनेगा। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा है चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा देर तक मैं भूनने छोड़ देती हूँ, तब जाके ऐसा टेस्ट और स्वाद आता है मेरे खाने में। अब बारी आती बिरयानी की, क्योंकि काफ़ी मसाले को भी थोड़ा भूनने में भी टाइम लगता है, तो इस वजह से सब कुछ मैंने काट वाट के पहले से ही प्रिपेयर करके मसाला निकाल के रख दिया था। सबसे पहले आपको प्याज गोल्डन वगैरह करनी होती है, फिर मसाला डालना होता है, फिर इसका जो गोश्त होता है वो डालना होता है। तो इसकी भी रेसिपी मैंने चिकन में बनाई है इस बिरयानी को, तो आप मटन में भी बना सकते हो इसको, तो चिकन वाले मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। चावल डाले हैं मैंने,
सो बिरयानी भी ऑलमोस्ट दम पे लग रही है, तो नीचे तवा रख के मैं फिर इसको बिरयानी को दम पे रख रही हूँ, और सब कुछ काम तो हो गया है मेरा। सो गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है, 2:15 बज गए हैं और आई एम ऑल्सो रेडी। तो थोड़ा भी बात करते करते थोड़ा सुबह ज़्यादा मेरा गला वो लग रहा था, लेकिन अभी ठीक है अल्लाह का शुक्र है। तो अभी चावल दम पे हैं, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तो चावल भी हो चुके होंगे और कमरा भी सब सेट कर लिया है, कपड़े भी जो वॉशिंग के थे तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। बस मेरा रोटी आज मैंने बनाई नहीं, रोटी मैंने कहा कि आयशा से बनवा दी थी। आज मैंने आपको पूरा फुल फ्लेज्ड मैंने आपको अपना काम दिखाया कि मैं कैसे करती हूँ क्या करती हूँ। आज मैंने बिरयानी, सालन और रोटी तो उसने बनाई, तो ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। उसको भी बनाने में टाइम और मेहनत लगती है, बस अल्लाह करे अच्छा बने। तो चलिए इंशाल्लाह मैं आपको लंच में मिलती हूँ। तो गाइज माशाल्लाह खाना लग चुका है, थोड़ा सा चिकन फ्राई कर लिया था क्योंकि मैं बिरयानी में कुछ नहीं खाती। ये चिकन का सालन है और ये बिरयानी का पूरा मैंने भगोना रख लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैं ट्रे में नहीं निकाली और एसी भी चल रही है ना तो वो ठंडा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से खाने की टेबल भी लग चुकी है, अब मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया आज बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी माशाल्लाह, और ऐसे अब मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, उनको वैसे गर्मा गर्म ही पसंद है तो मैं ट्रे वगैरह में नहीं निकालती हूँ। जब हम दोनों खाने बैठते हैं तो मैं पूरा जो जिस चीज़ में मैंने बनाया है वो रख देती हूँ ताकि गर्म गर्म सर्व करें हम लोग अपने आप को। तो भी मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखिएगा आप लोग। सो गाइस खाना भी हो चुका है और मेरे हस्बैंड भी चले गए, और संडे वाला दिन है तो ज़्यादा देर तक वो रुक नहीं पाते हैं शाम पैर में खाने में। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था सब, सालन भी और बिरयानी भी तो बहुत अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ करी है अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह का यही शुक्र है कि तीनों टाइम हम लोग खाते हैं अच्छे से अच्छा, तो उसमें हर बात पे अल्लाह का तो खैर वैसे शुक्र करना ही चाहिए। तो बस जब देख सकते हो 3:30 बज रहा है, थोड़ा जा रही हूँ मैं गागल करना है क्योंकि मेरा गला थोड़ा फिर उलट हो गया कुछ, अभी ठीक हो गया था लेकिन फिर अभी आवाज़ भी बैठ रही है और थोड़ी खराश भी हो रही है। सीना पता नहीं क्यों बहुत झगड़ा हुआ है, मतलब बहुत कंजेशन है मेरे चेस्ट पे। तो अभी थोड़ा स्टीम भी लूँगी और गागल भी करूँगी पानी का। तो सो गाइज अभी हम लोग बस ऐसी थोड़ा, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने बताया था आपको, शायद नहीं बताया था मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ऐसे ही हम लोग बाइक पे राइड करके आते हैं, थोड़ा दिल बहल जाएगा। तो हम लोग बस जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत रोड वगैरह की बनाऊंगी, एक्चुअली आज शायद लास्ट डे ऑफ विसर्जन है गणपति का, यहाँ पे भी अब थोड़ा बहुत होने लगा है। तो इंशाल्लाह आपसे आपको दिखा दूंगी अगर कोई दिखेगा मतलब रास्ते में निकलते हुए। चलिए अल्लाह हाफिज़।
अभी हम लोग घर आ चुके थे एक्चुअली, बहुत ज्यादा रश था तो मैंने ज्यादा बनाया भी नहीं, और गाड़ियाँ काफी पास हो रही थी। तो अभी मेरे हस्बैंड को भूख लग रही है तो मैं उनके लिए खाना गर्म कर रही हूँ। मुझे अभी इतनी भूख नहीं लग रही तो मैं बाद में खा लूंगी, तो बिरयानी रख रही हूँ गर्म होने के लिए। तो बस ऐसी एक लॉन्ग उस पर गए थे हम लोग, बाइक राइड पे हम लोग वहाँ से आ गए हैं और बस डिनर करेंगे और आज का दिन यहीं पे एंड होता है। और होप्स आपको पसंद आते हैं ऐसे व्लॉग्स, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी अपने हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब मुझे देख देख के शायद अब बोर हो गए हैं, तो मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी और नेक्स्ट वीडियो होप सो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। जैसे कि मैंने बताया था 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर करूँगी। और गई, और एक बात करनी थी, मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यूट्यूब पे लाइव आऊँगी। आप लोग बस मुझे टाइमिंग बता दो कि मेरे आप लोग के लिए क्या टाइमिंग सेट सही रहेगा, तो मैं उस टाइम पे लाइव आऊँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे एक दो जन ने बोला है कि यू शुड कम लाइव ऑन यूट्यूब, तो मैं इंशाल्लाह आना चाहूँगी, आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो आप लोग बस मुझे डेट और मतलब टाइमिंग आप बता दो, मैं डेट फिक्स करके आपको बता दूंगी कि मैं कब लाइव आऊँगी। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना टाइमिंग, क्योंकि मैं फिर उस हिसाब से पूरा आपको बता दूंगी, या इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी, या तो फिर अपने स्टोरी पे यूट्यूब की उस पर डाल दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग लाइव जब भी मैं आऊँगी तो आप लोग को पता लग जाएगा। और दूसरी बात है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल ऐसे ही आगे बढ़ सके। क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन मुझे उसके साथ साथ आप लोग का भी साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बस ये आज का वीडियो, होप सबको पसंद आया है। ख्याल रखिए, अपना दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।